अंतर्गत महलगांव थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे सड़क पर पूर्व में मक्का व्यवसायी से लूट के मामले में दो व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। इस बाबत अररिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुष्कर कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि नेशनल हाईवे पर मक्का व्यवसाय के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें मक्का व्यवसाय से 29,000 रुपए की लूट की गई थी। इस मामले में एक अभियुक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं लूट मामले का उद्भेदन करते हुए इस मामले में विशेष अभियान चलाते हुए फरार चल रहे हैं। दो व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एंकर पिंकी सिंह के साथ अररिया से रंजीत ठाकुर की रिपोर्ट। एक अभियुक्त गिरफ्तार करके पूर्व में ही जेल गया हुआ है और दो अभियुक्त फरार चल रहे थे। थाना अध्यक्ष एवं बैरगाछी के पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी करके इसमें दो जो फरार चल रहे अभियुक्त अकबर उर्फ कारू और इरशाद, एक जो है पोखरिया का और दूसरा जो है डुमरिया का था, दोनों को गिरफ्तार किया गया। और उस क्रम में जो लूटा गया था मक्का व्यवसाय से 29,000 रुपया लूट लिया गया था, उसको घायल भी किया गया था रड से, तो उसमें प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। ये मामला है आपको 29/7/2020 का मामला है, 29 तारीख का है, 7वें महीने के 29 तारीख का मामला है। कांड का पूर्ण उद्भेदन हो गया। अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।